पुतिन की मंगोलिया यात्रा की। अब चीन के दुश्मन को हथियारों के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग भी देगा रूस। पुतिन के ऐलान से ड्रैगन परेशान। यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में मंगोलिया के दौरे पर थे। इससे पहले यूक्रेन ने मंगोलिया से पुतिन को गिरफ्तार करके ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को सौंपने का आह्वान किया था। पुतिन के खिलाफ युद्ध अपराधों के मामलों में ICC ने वारंट जारी किया हुआ है, लेकिन मंगोलिया रूस के हमलों की निंदा करने से भी परहेज करता रहा है और संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन संघर्ष पर वोट के दौरान भी मंगोलिया ने खुद को अलग रखा था। जाहिर है कि दोनों देशों की दोस्ती गहरी है, लिहाजा मंगोलिया ने ICC के वारंट को दरकिनार करते हुए पुतिन का जोरदार स्वागत किया। फिर मंगोलिया में पुतिन ने एक ऐसा ऐलान किया जिससे चीन को बड़ा झटका लग सकता है। पुतिन ने ऐलान किया कि रूस अब मंगोलिया को घातक हथियार मुहैया कराने के साथ ही मिलिट्री ट्रेनिंग भी देगा। चीन इस समय रूस का सबसे करीबी दोस्त होने का दावा करता है। यूक्रेन युद्ध के बाद से इन दोनों देशों के बीच दोस्ती और ज्यादा गहरी हुई है। पुतिन जिस मंगोलिया के साथ अपनी दोस्ती मजबूत कर रहे हैं, उसका चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है, जिस तरह भारत के साथ भी चीन का सीमा विवाद है। मंगोलिया के स्वायत्त हिस्से इनर मंगोलिया का चीन के साथ सीमा विवाद है। दोनों देशों के बीच इस इलाके को लेकर कई बार झड़प हो चुकी है। साल 2015 में हुई झड़प को लेकर चीन के अधिकारियों ने कहा था कि ये प्रांतीय सीमा विवाद है। ये झड़प इनर मंगोलिया के एक चेक पॉइंट पर हुई थी, जिस पर इनर मंगोलिया और चीन के गांसू प्रांत के लोग दोनों ही दावा करते हैं। चीन की तरफ से 100 से ज़्यादा लोगों ने इनर मंगोलिया के इस चेक पॉइंट पर हमला किया था, जिसमें मंगोलिया के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। दोनों देशों के बीच 1960 के दशक में सीमा में बदलाव हुआ था, जिसको लेकर अभी भी विवाद चल रहा है। रूस के उपरक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने कहा कि हम मंगोलिया को हथियारों और सैन्य उपकरणों की सप्लाई के साथ ही मरम्मत और आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी सहयोग करेंगे। हम सैन्य तकनीकी में सहयोग के साथ उन्हें सिखाएंगे भी। हमने इस साल ही मंगोलिया के 340 सैनिकों को ट्रेनिंग दी है। इस दौरान पुतिन ने मंगोलियाई राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत में कहा कि मंगोलिया और रूस के बीच रिश्ते हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। रूस और मंगोलिया मिलकर एशियाई सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं, साथ ही आतंकवाद विरोधी अभियान में भी सहयोगी हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि रूस मंगोलिया के अंदर शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा दे रहा है। हम आधुनिक रूसी तकनीक के आधार पर परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने गैस के क्षेत्र में भी मंगोलिया की मदद करने की बात कही। रूस लगातार मंगोलिया को बड़े पैमाने पर गैस और बिजली की सप्लाई कर रहा है। पुतिन ने दोनों देशों के बीच रेल सिस्टम विकसित करने की योजनाओं की रूपरेखा भी पेश की। पुतिन ने मंगोलियाई राष्ट्रपति को अक्टूबर के अंत में रूसी शहर कजान में ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी न्योता दिया है, जिसमें चीन भी शामिल होगा।